ईरान ने इसराइल पर किया हमला, इसराइल अमेरिका पहले से था तैयार बैठा, अब ईरान का कयामत आना तय। इसराइल और गाजा के बीच पिछले कई महीनों से लड़ाई चल रही है। दुनिया दो भागों में बट गई, एक पक्ष जो इसराइल के साथ खड़ा हो गया, दूसरा जो गाजा फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। पहले गाजा के हमास हुड़दंगियों ने इसराइल में घुसकर तबाही मचाई, उसके बाद इसराइल ने गाजा को तबाह करने की ठानी। दोनों तरफ से वार पलटवार हुए। गाजा के समर्थन में ईरान आया। ईरान पिछले कई दिनों से इसराइल अमेरिका को धमकी दे रहा था, अमेरिका इसराइल भी था तैयार बैठा। अब जैसे ही ईरान ने हमला किया, इसराइल ने जोरदार पलटवार किया। इन दोनों देशों की लड़ाई में कौन भारी पड़ा, किसकी जीत हुई, कौन हारा, ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है? इसराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। 150 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने हमला बोला। इस हमले के लिए इसराइल और अमेरिका पहले से ही तैयार थे। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी और आने वाली मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही आशंका जताई थी ईरान एक जोरदार हमला करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं इसराइल चाहता था ईरान हमला करे। रविवार को हुआ हमला ईरान से ज़्यादा इसराइल के लिए कामयाबी मानी जा रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है। इसराइल चाहता था ईरान सीधे युद्ध में उतरे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद लेबनान का हिजबुल्ला भी इसराइल पर रॉकेट बरसा चुका है। वहीं लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों को यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाया गया। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई और भी प्रॉक्सी हैं जो अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाना चाहते हैं। ईरान इन्हें हथियारों की सप्लाई करता है और खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है। ईरान को हमले के लिए किया गया मजबूर। एक्सपर्ट्स कहते हैं इसराइल का इरादा यही रहा होगा कि ईरान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाए। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावानेज दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए। ईरान ने हमले का आरोप इसराइल पर लगाया, वहीं इसराइल इस हमले से इनकार करता रहा। सीरिया के हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर माना है। लगभग 2 सप्ताह बाद ईरान ने इसराइल पर हमला किया। इस हमले से अब गेंद इसराइल के पाले में है या उस पर निर्भर करता है वह कैसे जवाब देगा। हमास से जंग के बीच इसराइल की ईरान से ठनी, ईरान के लिए होगी मुश्किल। ईरान की ओर से किया गया यह हमला अब उसके लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है, साथ ही इसराइल के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने लगभग ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन ईरान के पास खुद को इसराइली हमले से बचाने के लिए ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इस हमले से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ेगा। अमेरिका इस पर कैसा प्रतिक्रिया देगा यह ईरानी हमले के पैमाने, इस्तेमाल किए गए हथियारों, हताहतों और क्षति पर निर्भर करेगा। अमेरिका जितना संभव हो सके वह लड़ाई को कम करना चाहेगा।